महाकाल, आज का वीडियो रहेगा कि क्या 80 दिन बचे हुए हैं उनमें नीट को क्रैक करना पॉसिबल है। क्रैक का मींस है कि आप एक मिनिमम रेंज पे आ जाओ, 630 प्लस नंबर लेके आ जाओ। क्या ये इतने नंबर लेके आना पॉसिबल है, तो किस प्रकार पॉसिबल होगा, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना होगा, कौन सी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि 80 दिन की प्लानिंग से आप 630 प्लस नंबर लेके आ सके। साथ में अपन आपको बताएंगे कि जो मॉक टेस्ट है आपके, उनमें आपके 200 नंबर आ रहे हो चाहे 400 आ रहे हो, उनको 630 प्लस 650 प्लस कैसे कन्वर्ट करना है। साथ में आपको एक बेहतरीन रिवीजन प्लान बताया जाएगा, वो रिवीजन प्लान अगर फॉलो कर लिया ना तो लगभग आपके 630 से ऊपर ही जाएंगे नंबर, 630 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। साथ में अपन टेस्ट की बात करेंगे कि टेस्ट कौन से लेने हैं, क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको, वो सारी चीजें, और क्वेश्चंस किस प्रकार के करने हैं। मेन चीज रहती है भाई, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड टाइप आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, जेईई मेंस की एनालिसिस, सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में पूरी कवर करने वाला हूं। तो अपन एक बेस्ट आंसर देखते हैं कि क्या पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है 80 दिन में क्रैक करना नीट को, 630 प्लस नंबर लाना। देखो, उन बच्चों के लिए पॉसिबल है जो रेगुलर स्टडी करेंगे अब से, और रेगुलर स्टडी भी लगभग वो करनी चाहिए उनको पर डे 13-14 आवर्स से ज्यादा पर डे, ठीक है। तो ये अपन 14 आवर पर डे की कर लेते हैं कि 14 आवर पर डे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है। इससे ज्यादा पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो तो आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है। दिन में एक एक घंटा बचाओ भाई, एक एक मिनट बचाना पड़ेगा, अब तो 80 दिन ही बचे हुए हैं। तो ये पॉसिबल जब होगा, जब बंदा इतने घंटे पढ़ेगा तब ये पॉसिबल हो जाएगा। प्लानिंग क्या होनी चाहिए और स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल की प्लानिंग के साथ बात करते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ। देखो, आपका जो नया सिलेबस है उसमें टोटल आपके चैप्टर हैं, न्यू सिलेबस में 79 चैप्टर हैं, 79 चैप्टर हैं, बचे हुए 80 दिन हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 80 दिन हैं इनमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, चैप्टर्स को पढ़ना है ना आपको, उनका रिवीजन भी करना है, उनके टेस्ट भी देना है। ये काम करोगे अब कैसे कैसे करना है, देखो जो आपका सिलेबस है ना उसको आप 40 डेज में कंप्लीट कर लो, 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा। कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। रिवीजन के लिए आपको 15 दिन दिए जाएंगे, 15 दिन आपको एक बार फिर रिवीजन, और जो बचा हुआ टाइम है आपके पास 25 डेज, उसमें आपको टेस्ट लगाने। अब ये कैसे क्या करना है सारी चीजें बताता हूं। आपके पास जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के लिए 40 डेज है आपके पास, 40 डेज यार बहुत होते हैं, 40 डेज, 79 चैप्टर और 40 डेज, यानी एक दिन में एक चैप्टर करोगे, एक दिन में एक चैप्टर नहीं दो चैप्टर करना है आपको, दो चैप्टर तो आराम से हो जाएंगे। अब देखो यार, चैप्टर्स हैं इजी भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और टफ भी रहेंगे। तो आप बोलोगे सर टफ वाला चैप्टर एक दिन में एक ही हो रहा है, नहीं भाई, देखो यहां पे एक टाइम कैलकुलेशन बताता हूं आपको। आपका इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर को आप एक रेंज देखो, 5 घंटे में उसका एक वन शॉट और उसके पीवाईक्यू कर लो आप 5 घंटे में, ठीक है, इजी चैप्टर के लिए। आपको मीडियम चैप्टर को करना है 7 घंटे में और उसके पीवाईक्यू करने हैं, और टफ चैप्टर होगा 8 घंटे में हो जाएगा आपका, उसके वन शॉट वीडियो और पीवाईक्यू, ठीक है, 8 घंटे में। 7 घंटे में आपका मीडियम चैप्टर हो जाएगा, और 5 घंटे हैं उसमें हो जाएगा वन शॉट और पीवाईक्यू का एक इजी चैप्टर के लिए। अब मेरे को बताओ 5 घंटे में एक इजी चैप्टर कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे। अब लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है एक, उसको करने के लिए आप 5 घंटे लगाओगे क्या, नहीं ना। लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, उसमें से लास्ट के टॉपिक्स हट चुके हैं, है तो उसको आप 2 घंटे में आराम से कर दोगे, और आधे घंटे में उसके पीवाईक्यू लगा लोगे, तो लगभग 2-2.5 घंटे में उस चैप्टर को कर लोगे। यहाँ पे एक मिनिमम रेंज दी है मैंने, एक रेंज दी है कि मीडियम रेंज, इस रेंज में 5 घंटे में मीडियम चैप्टर हो जाएगा आपका आराम से। अगर आपका 2 घंटे में चैप्टर हो रहा है तो बाकी का टाइम है ना आप अगले चैप्टर्स को कवर करने में लगा दो, समझ रहे हो बात। अब जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स आप पढ़ोगे 10-12 घंटे लगेंगे, पूरा एक दिन लगेगा, तो भाई लिविंग वर्ल्ड में तेरे को 5 घंटे थोड़े लगेंगे, तो इस प्रकार आपको टाइम मैनेज भी करना है, ठीक है। ये आप ऐसा करोगे तो आपको 40 दिन में आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलेबस कंप्लीट करने में, ये टाइम के हिसाब से करोगे आप, ठीक है। अब आप देखो कि मेरे पास टफ चैप्टर है भाई, उसको 5 घंटे में, अरे 5 घंटे में उसको टफ को मत करना, क्योंकि उसमें से आपका फिर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। टफ चैप्टर को आराम से
आठ सात आठ घंटे 9 घंटे में आराम से करना उसको, ठीक है ठीक है। 14 घंटे आप या 15 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, अब देखो 40 दिन में ये हो जाएगा। कैसे होगा, इजी चैप्टर 5 घंटे में अगर लिविंग वर्ड वाला मान लो 2 घंटे में नहीं, उसको 5 घंटे में करो। इजी चैप्टर्स को आप 5 घंटे में कर रहे हो तो एक दिन में इजी 3 चैप्टर कर सकते हो ना, 5×15 होते हैं ना, तो इजी चैप्टर्स 3 कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करो, एक दिन में एक इजी ले लिया और एक टफ चैप्टर ले लिया, इजी चैप्टर एक और दूसरा टफ चैप्टर, या एक दिन में 2 मीडियम चैप्टर कर लो, ठीक है। इस प्रकार 40 डेज में ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब और अच्छा चीज बता रहा हूं आपको क्या करना है। देखो 40 दिन में ये कंप्लीट करोगे ना आप, तो आपको हर 10 दिन में, हर 10 डेज में, पर 10 डे आपको एक टेस्ट देना है इन 40 दिन में, ये ध्यान रखना। फुल लेंथ वाला ये जो 40 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना भाई, 3 घंटे का टाइम निकाल लेना, और पर 10 दिन में, 10 दिन के अंदर एक टेस्ट देना जरूरी है आपके लिए। ये हुआ ये 40 दिन की बात। अब आपके 40 दिन है, उसके बाद में आपको 15 दिन और बचेंगे रिवीजन के लिए, और फिर बाद में 25 दिन की प्लानिंग करेंगे। जो ये 15 दिन है ना, इसमें आपको क्या करना है, जो आपके ये जो सिलेबस कंप्लीट किया है ना, जिसको करते हुए आप क्या करोगे, नोट्स, पीडीएफ नोट्स होंगे आपके पास, या आप शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला लिस्ट वगैरह सब कुछ बना लोगे, या पीडीएफ है तो उनकी प्रिंट आउट करवा लेना, या पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स कर लेना, या पीडीएफ से आप पढ़ लोगे। तो आप क्या करोगे, जो ये 15 दिन में है ना, इनमें आप इनका रिवीजन करोगे। ये जो जो पूरा पढ़ा है ना 40 दिन में अपन ने, वो 15 दिन में रिवीजन हो जाएगा। सर कैसे होगा, मेरी बात सुन, कैसे होगा, दोबारा से तेरे को वन शॉट वीडियो देखना नहीं है, 40 दिन तक देखोगे आप सारी चीजें कवर हो जाएगी। दोबारा से आपको जो वन शॉट वीडियो है उसकी पीडीएफ को पढ़ना है, या एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो 15 दिन है ना, इनमें कैसे करोगे, सर डेली के 15 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप मान लो पीडीएफ को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, मान लो एक चैप्टर की पीडीएफ है या एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा। तो एक दिन में आप अगर पढ़ना चाहो ना पीडीएफ वगैरह इनसे और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे, तो लगभग 6-7 चैप्टर तो कर ही लोगे एक दिन में। कैसे, अगर रिवीजन करना है पीडीएफ को पढ़ते जाना है, फॉर्मूला लिखते जाना है, फॉर्मूला को लिखो, पीडीएफ को पढ़ते जाओ, थ्योरी को पढ़ते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ, क्वेश्चंस आपने जो यहाँ पे किए हैं फिजिक्स में उन क्वेश्चंस को देखते जाओ, ठीक है। 15 दिन तक आपको लगातार रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन, ठीक है। इनमें आपको पीडीएफ या शॉर्ट नोट्स इनको पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे और क्या करना है, एक वीक में 2 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। इसमें रिवीजन के टाइम में 15 दिन है ना, इनमें क्या करोगे, 1 वीक 2 टेस्ट, 1 वीक में 2 ही टेस्ट देने, ज्यादा नहीं भाई, 3 मत देना, 4 मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बता रहा हूं ना उतना कर लोगे आराम से, 630 प्लस आएंगे, ये विश्वास दिला रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है। 1 वीक 2 टेस्ट, 1 वीक में 2 टेस्ट करोगे रिवीजन के टाइम। अब बाकी के बचे हुए आपके पास 25 दिन रहेंगे, इन 25 दिनों में डेली टेस्ट आपको देने हैं, डेली टेस्ट, और डेली टेस्ट जो है फुल लेंथ वाले, एक दिन में भाई 3 घंटे 20 मिनट निकालेगा ना पर डे टेस्ट देने के लिए, 3 घंटे 20 मिनट, और टेस्ट के जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करने के लिए 2 घंटे मान ले, 2 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए भाई। अगर टेस्ट आपने ये रिवीजन करके दिया है ना, ठीक है, तो आपको टेस्ट का एनालिसिस करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है, तो 4 घंटे हो गए आपके, 4.5 घंटे मान ले एक दिन के। तो ये 25 दिन तक लगातार टेस्ट होंगे, 25 टेस्ट फुल लेंथ, चाहे आप ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, बेटर ये रहेगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट दो। ऑफलाइन का मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, उनके पेपर्स ऑर्डर कर लो, मंगवा लो, और उनको टेस्ट फॉर्म में आप बैठ के टाइम लगा के आप दोगे, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो मेन बात सुनो, जो ये 25 दिन रहेंगे ना, इनमें टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट ऐसे दोगे आप, शुरू आपको ऐसे करना है, दिन में शुरू में आपको जो आपका टेस्ट का सिलेबस है ना, जैसे आज का पेपर है, आज आपको पेपर देना है वही 2 बजे से लेके 5 बजे के टाइम में, ओके, 2 बजे से 5 बजे के टाइम में पेपर दोगे। उससे पहले जितना भी आपका समय है आपका,
उसमें आपका जो टेस्ट पेपर का सिलेबस है ना उसको रिवीजन करना है। टेस्ट में मान लो आज के जो टेस्ट है उसमें जीओसी आ रही है और आइसोमेरिज्म और जीओसी का पेपर है आज, तो आइसोमेरिज्म और जीओसी पूरी कवर करो, जो फिजिक्स में जो भी है उनके आपने जो शॉर्ट नोट्स 15 दिन के रिवीजन किया था ना, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ वगैरह इनसे उनसे ही कर लो आप, ठीक है। पर रिवीजन करके टेस्ट दो तो आपके नंबर बढ़ेंगे। देखो नंबर तब नहीं बढ़ते आपके, मान लो 400 नंबर भी आ रहे हैं ना, आप भाई एक बार उन टॉपिक्स का रिवीजन करके दो, आपके 500 नंबर आएंगे, ठीक है। और 500 के ऊपर आपको नंबर लाना है ना, तो आप देखो आपने टेस्ट देते टाइम कौन कौन सी गलतियां की है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करो, उनके कॉन्सेप्ट को देखो, आपके नंबर 600 प्लस आराम से आने लग जाएंगे। यही बात है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता नंबर बढ़ाने का टेस्ट में, ठीक है। सब फालतू के फंडे हैं। पहला फंडा है, अगर 400 नंबर आ रहे हैं 500 करना है, रिवीजन बढ़ा दो, रिवीजन करके टेस्ट दो, 500 नंबर आएंगे। 500 से ऊपर लाना है, जो टेस्ट में गलतियां हो रही है, जो टेस्ट में क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट के गलत हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, बार बार देखो, उनके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, नंबर बढ़ेंगे, 650 हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। सर स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना है? भाई पूरी साल में जो मटेरियल फॉलो किया है तूने एनसीईआरटी बेस्ड, तेरे पास जो नोट्स हैं उनको कर, या तेरे पास नोट्स भी नहीं है तू क्या कर, जो वन शॉट वीडियो की पीडीएफ है ना उनको फॉलो कर। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़, पर डे एक रूल बना लो कि पर डे अपने को 4 पेज पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, तो पर डे 4 पेज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें भी कवर होती जाएगी, सिलेबस भी कवर हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये बात रही आपकी सारी, पॉसिबल है भाई, 80 दिन में पॉसिबल है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जय महाकाल, मिलते हैं फिर।